अभी सर अपने भाषण के दौरान अपने नंबर अपना पब्लिक के बीच शेयर किया, तो पब्लिक से मैं आप सर ये बताना चाहेंगे कि वो नंबर उठेगा भी या सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट था? भीमराव अंबेडकर साहब सर पूरे देश के लिए बिना कोई जाति देखे हुए उन्होंने संविधान लिखा सभी जाति विशेष धर्मों के लिए, लेकिन सर वो आखिर क्यों सर एक ही जात के लोग इनका सेलिब्रेट करते हैं, सभी जगह इनका क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता है हर जाति में हर धर्म में हर कॉलेज में? मुझे नमस्कार, मैं हूँ श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉर्ट। आज जो है पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का 132वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी मौके पर औरंगाबाद में औरंगाबाद के जिला प्रभारी भाजपा के श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी भी बारुण पधार चुके हैं और इन्होंने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती मनाने का काम किया है मस्तूर बारुण गाँव में, तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके बारे में कुछ। स्वागत है श्रम चल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। ये तो मैं आभारी हूँ अपने समाज के इस गांव के लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पावन दिन पे कि मैं आके बातें कर सकूं, लोगों से मिल सकूं, अपने विचारों को रख सकूं और इतने बड़े दिन पे इस मतलब राष्ट्रीय उत्सव पे हम सब मिलके एक दूसरे से अपना दुख सुख बांट पाएं, इसको उत्सव की तरह मना पाएं, बच्चों से मिल पाएं, इसके लिए मैं यहाँ के अपने अभिभावकों का और आयोजकों का मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि भीमराव अंबेडकर साहब सर पूरे देश के लिए बिना कोई जाति देखे हुए उन्होंने संविधान लिखा सभी जाति विशेष धर्मों के लिए, लेकिन सर वो आखिर क्यों सर एक ही जात के लोग इनका सेलिब्रेट करते हैं सभी जगह इनका क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता है हर जाति में हर धर्म में हर कॉलेज में? मुझे लगता है कि बाबा साहब किसी भी जाति धर्म से ऊपर थे। ताकि सर इनका एक ही जाति में क्यों इनका सेलिब्रेट किया जा रहा है और कहीं क्यों नहीं? पता नहीं, मैं तो खुद अगर यहाँ पे हूँ और हम सब जितने आप देख पा रहे हैं हम सब हैं, हाँ, लेकिन आपका ये जो चिंता है वो चिंता जायज चिंता है क्योंकि जिस संविधान की उन्होंने रचना की और अपने पूरे देशवासियों को सोच के कि सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सबको समान अधिकार मिले, वो कहीं पीछे छूट गया, वो सपना उनका कहीं पीछे छूट गया। जो पीछे के दशकों में जिस तरह से राजकाज का काम चला वो कहीं पीछे छूट गया। बाबा साहब ने कभी सपना नहीं देखा होगा कि एक रुपया केंद्र से चलेगा नीचे 10 पैसा पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं उसके कारण एक वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं हम सिर्फ बाबा साहब को उनके जयंती पर ही सिर्फ याद करके 2-4 पुस्तकें बांट के हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कैसे अपने समाज को आगे लेके चलें और बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि सब समाज को समानता का अधिकार हो, मूलता का सबको एक अधिकार मिलना चाहिए, उस समाज को जब तक हम लोग आगे लेके नहीं चलेंगे राजनीति का एक प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए बाबा साहब का सपना। बाबा साहब का सपना इस देश के विकास के लिए, विश्व गुरु का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास है, ये बाबा साहब का मूल मंत्र था जिसको ऊपर सबको, ये जो सबका शब्द है ना, ये सबका शब्द हमारे संविधान में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रियामल का पहला लाइन है। तो ये जब शुरू होता है वी, तो इसमें भारत के सारे लोग आते हैं और सबका समान अधिकार हम सबका पहला मांग होना चाहिए। अभी सर अपने भाषण के दौरान अपने नंबर अपना पब्लिक के बीच शेयर किया, तो पब्लिक से मैं आप सर ये बताना चाहेंगे कि वो नंबर उठेगा भी या सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट था? आप भी जानते हैं और फोन तो बंद करूंगा नहीं क्योंकि उससे बहुत सारा काम भी चलना है उसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से पूछ लेंगे कि नंबर चाहे सेव हो चाहे नहीं सेव हो, अगर वो लगाएंगे तो उठेगा नहीं कि क्या नहीं होगा, मैं बात नहीं करता हूँ ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई बोल पाएगा। अगर छूट भी गया तो थोड़ी देर में फ़ोन आ भी जाता है, तो ये तो जानने वाले लोग मेरे जानते हैं और आपके माध्यम से खास करके आपके चैनल पर आपके द्वारा मुझे चाहने वाले और मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो सब सुन ही रहे होंगे, तो झूठ बोल के जाऊंगा कहाँ, रहना तो सबके बीच में ही है, मेरी कर्मभूमि यही है, तो मैं जाऊंगा कहाँ यहाँ से, तो नंबर है ही, बाकी नाम गूगल पर डालेंगे तो नंबर मेरा वैसे ही मिल जाएगा, तो छुपने का जगह ही नहीं है कुछ भी। अभी बच्चे के साथ आप गोद में लेकर खेल रहे थे सर, क्या कुछ बातें हुई उनसे? लोग पूछते हैं ना कि पार्टी को थोड़ा सा बात करके चलता हूँ, लोग बात बात करते हैं कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मेरे से आप कभी भी पूछेंगे तो मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा ये नीचे बैठे हुए बच्चे हैं। मैंने जानबूझ के कहा कि ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, इन बच्चों के आंख में जो भविष्य का सपना होगा वो मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इन बच्चों के अभिभावक जो हैं, इन बच्चों के जो अभिभावक हैं और वो जो उनके सर पे जो शिकन है, उनके माथे पे जो शिकन है कि बच्चा आगे चल के कमाएगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, उसका भविष्य का, उस चिंता को जिस दिन हम खत्म कर लेंगे वो हमारे सीएम का हमारे कैंडिडेट होता है। तो मेरे तो सीएम के कैंडिडेट यही विकास के बच्चे रहते हैं और इसीलिए
आप अगली पीढ़ी की जब तक चिंता आप नहीं कर पाएंगे तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है। तो आपको बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। वर्तमान तभी मजबूत होता है जब उसके आगे आने वाले भविष्य की एक रीढ़ रखी रहे। मैं बाबा साहब के 132वीं जयंती के अवसर पर आए हुए सभी तमाम यहाँ पर उपस्थित महानुभाव बच्चे, गार्जियन, अभिभावक सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मना रहे हैं, इनके सपने तभी पूरा होंगे, इनके जो द्वारा जो खींचे गई लकीर है उसको हम छूने का प्रयास करेंगे, और उस लकीर को तभी हम छू सकेंगे जब हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम शिक्षा के प्रति हमें अग्रसर होना होगा और बच्चों को उत्साहित करना होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि बच्चे देश का भविष्य है। मैं इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए, अभिभावकों की समृद्धि की कामना करते हुए, उनके सफलतम जीवन के कामना करते हुए, मैं धन पुनः बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।